दीदी, मेरा आना जाना खैरागढ़ लगा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आज भी वो क्षेत्र जो है किसी गांव से ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया है। जी। और आप जब की बात कर रही हैं, तब तो वो शायद जंगल ही रहा होगा। और मेरी जानकारी अगर सही है तो आप पहली छात्रा हैं जिन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। जी, आप पहली कैंडिडेट रही हैं। जी। तो ये तालमेल कैसे बैठता था दीदी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज भी हम लोग जाते हैं तो परेशानियां होती हैं, आप लोग कैसे तालमेल बिठाती थी? उन्होंने कहा मुझे एक दिन कि मैं जंगल वो अपना घर छोड़ के आया हूँ जी, और यहाँ जंगल में आके बैठा हूँ। आप देख रही हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संगीत को सब विद्यार्थियों के सामने लाऊं और वहां पे आगे उस दृश्य देखा जाए। और तो ये तो करना ही होगा, जब आपने ठाकुर साहब को भेजा मेरे पास जी। तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा ठीक से, जो भी है। तब जो कोशिश मैं कर सकती थी मैंने की। बहुत रोज हो गए, जब हो गए तब मैंने उनको कहा कि अगर मैं शर्मिंदा बहुत थी, मैंने हाथ जोड़ के उनको कहा कि पंडित जी अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं चली जाऊं। तो तब फिर उन्होंने मुझे इजाजत दी और मैं दिल्ली वापस आ गई और गायन चलता। दीदी, आपने घरानेदार गायकों से गाना सीखा जी, आपने संगीत पर शोध कार्य किया जी, आपने किताबें भी लिखी जी, ये सब कैसे आप कर पाती थी, थोड़ा इस विषय में बताएं। किताब लिखने की जरूरत आपको क्यों पड़ी, राजस्थान के लोक संगीत पर, संगीत के घरानों पर? वो भी एक कहानी है। जब ठाकुर साहब का आदेश हो जाता था तो मैं कभी भी ना नहीं कर सकती थी जी। और इस दौरान मैं ट्रैवल भी कर रही थी। आप ये सोचिए कि मिडल ईस्ट में भी गई, जापान में भी गई और भी बहुत सी कंट्रीज में गई, अमेरिका वगैरह से कुछ। लेकिन जिस प्रकार से मुझे ठाकुर साहब ने गाइड किया जी, मैंने उसको वो सीखा, कोशिश की। और ये क्या आपका दूसरा प्रश्न क्या था? ये किताबें लिखने की जरूरत। हाँ। तो जब मैंने निपुण जी निपुण का कर दिया और तो क्या करती मैं समझ नहीं आता था। अचानक मेरे मन में एक बात आई कि मुझे तो राजस्थान के लोक संगीत पे कुछ रिसर्च करनी है। और मैं राजस्थान की रहने वाली जी थी, पंजाब की, लेकिन राजस्थान में रही, जोधपुर में। हाँ, मैं बड़ी घबराई कि मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, मैं किस प्रकार राजस्थान के गायन में उसके बारे में लिखूं, पर मुझे करना जरूर है जैसे भी है। तो मैंने ठाकुर साहब से पूछा, उन्हें कहा कि ठाकुर, मैंने कहा ठाकुर साहब मैं क्या करूं, मैं अगर मैं ये लेती हूँ राजस्थान के लोग से तो ये सब जैसे कि हमारे देश में आदत है कि लेबल कर दो तो उनका होगा क्या, ये तो ले रही है लोकगीत का के ऊपर लिख रही हैं, तो ये कैसे आप करेंगे? तो ठाकुर साहब ने कहा हाउ डू यू थिंक क्लासिकल म्यूजिक कम्स फ्रॉम, वेयर डज इट कम फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक जी, ये उन्होंने बोला। तब फिर मैंने कहा, उन्होंने मुझे कुमार गंधर्व जी का वो दिया, एग्जाम्पल दिया, सब कुछ किया। तो उसके फिर ठाकुर साहब मेरे साथ पूरे राजस्थान में मेरे साथ गए और मैंने जगह जगह पे वहां पे जाकर के उन संगीत को मैंने सीखा। और तब मैंने जाके देखा कि ये कितना रिच ये म्यूजिक है, कि उनका तो जो उनके अपने लोक राग हैं, लोक राग में ताल उनके अपने हैं, सात मात्रा जो है वो हमारे तीव्रा नहीं है, और ये तो सात मात्रा का कुछ गा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसको ऐसे मत सोचिए, सात मात्रा है ये और इसको तीव्रा मत कहिए जी। हाँ, तो ऐसे सोचना आप, ये कैलकुलेट मन में करिए, ये सात मात्रा इसको कैसे करना है। तो इस प्रकार से मैंने एक एक गांव में जा करके, ठाकुर साहब भी मेरे साथ में गए, एक एक गांव में जा करके मैंने जो भी सीख पा सकती थी, जो भगवान ने कृपा की, वो मैंने उनको सीखा। और फिर उसके ऊपर डॉक्टरेट भी किया
और मैंने इसको एक समेटने की कोशिश की कि किस प्रकार क्लासिकल को और आपकी वो दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं दीदी, और अभी भी शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर रही हैं जी। वो लिखती कैसे लिखा रही लिखती मुझे मालूम नहीं, कोशिश से जो कुछ मैं कर सकी मैंने की। दीदी आपने अलग अलग गुरुओं से अलग अलग चीजों की आपने तालीम ली, ठाकुर साहब ने भी आपको सिखाया, मुसलगांवकर जी ने भी सिखाया, रतन जानकर जी ने भी सिखाया और मुश्ताक हुसैन खां साहब ने तो सिखाया। आपके खजाने में ढेर सारे नायाब मोती हैं, अब कुछ उनमें से एकाध मोती हम लोगों के सामने भी आप पेश करें अगर तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करती हूँ। उन्होंने मुझे टप्पे भी सिखाए जी, ख्याल भी सिखाए जी, और थोड़े से जो मुझसे बन पड़ता है। आप तो दीदी बहुत सारी विधाएं गाती हैं, मैंने आपको चतुरंग और तिरवट ये सब गाते हुए भी सुना है जी, जी जी। तो अभी आप दीदी क्या सुनाएंगे? मैं टप्पा सुनाऊं आपको जी? आपके पास एक बहुत अच्छा टप्पा है आड़ा चौताल में जी जी, आड़ा चौताल जो इनायत हुसैन खां साहब का है। अच्छा जी, मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने जी वो प्रस्तुत करने की जी। क्या बात है, आड़ा चौताल में टप्पा बहुत कम सुनने को मिलता है। दीदी एक बिल्कुल व्यक्तिगत प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, पुराने जमाने के जो घरानेदार कलाकार होते थे अपनी कला को लेकर बहुत रूढ़िवादी होते थे, जज्बाती होते थे, आप दूसरे माहौल से आई थी, रिसर्च भी कर रही हैं, ये भी काम कर रही हैं, घर परिवार भी देख रही हैं, कभी ऐसा हुआ कि खूब जोरों की डांट पड़ी हो, रोना आया हो, मन में ये ख्याल आया हो कि छोड़ो यार ये गाना वाना अपन के बस की चीज नहीं है? रोई तो मैं बहुत हूँ। रोई बहुत है ना जी? रोई तो बहुत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था
कि जब जब मुश्ताक हुसैन खान साहब ने सिखाना शुरू किया जी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी क्या गायकी है। ना ग्वालियर की दिख रही है, ना रामपुर की दिख रही है, ना आगरा की दिख रही है, क्या। पर मुझे ये मालूम था कि रामपुर का राधा वो एस्टेब्लिश जो हुआ था बहादुर हुसैन खान से जी, और उसके बाद इनायत हुसैन खान साहब। इनायत हुसैन खान साहब का विवाह हद्दू खान साहब की बेटी के साथ हुआ था ग्वालियर जी। तो आप ये देखिए कि वो आपस में शादी हो जाती थी मुस्लिम्स में जी। तो कुछ वहां की गायकी, वहां की बंदिशें जी, और जैसे कि ये भी सुनते हैं कि जब शादी होती थी दहेज के अंदर बंदिशें दी जाती थी, बंदिशें भी दी जाती थी। तो जब मैंने सीखना शुरू किया ग्वालियर की, तो मैं सीख ही रही थी, तो मैं कैसे करूं क्या करूं। फिर मैंने सोचा मैं क्यों इतनी निराश क्यों हो रही हूं जी। और सब घरानेदार जो लोग हैं वो कभी एक घराने के साथ नहीं रहते हैं जी। उन्होंने जगह जगह अलग अलग घरानों से ट्रेनिंग ली होती है, तालीम ली होती है बिल्कुल। और जैसे मुश्ताक हुसैन खान साहब ने पुत्तन खान साहब जो भिंडी बाजार के थे उनसे सीखा था उनसे। फिर जब हम देखते हैं और मैं खुद क्योंकि सब जगह से मुझे ये तालीम मिली हुई थी, किस प्रकार से मैंने उनको समेट करके जी, यानी रामपुर की ताने बहुत ताने होती हैं, सपाट ताने होती हैं और बंदिश है बहुत जी। और बंदिशों को सिखाने का भी खास तरीका था, तो मैंने वो सब वो भी सीखा। और हर एक अब जैसे किराना, हाँ एक खास बात मुश्ताक हुसैन खान साहब कहा करते थे कि अगर किराना गायकी तुम लोगे तो उसमें तो आपके ये एक एक स्वर की बढ़त ज्यादातर ज्यादातर बढ़त होती है। तो अगर आप कई रागों में एक एक स्वर की बढ़त नहीं होती है जी बिल्कुल, तो राग का स्वरूप बिगड़ जाएगा। हा? जैसे देशकार वहां पे धैवत पे बहुत जोर दिया जाता है। और इसी तरह से और भोपाली है वो रात का गाना वो सुबह का गाना, लेकिन ये जो उनका कि इस प्रकार से राग की शुद्धता को कैसे रखना। फिर जब शुद्धता जब राग सिखाते थे तो वो कहते थे कि ताने पलटा लेने के पहले वो बोल जो है वो शब्द जो है वो आकार में लो। अच्छा, जो बोल है वो आकार में लो, बोल बतलो और फिर उसके गाओ, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि राग की शुद्धता, इस राग की शुद्धता क्या है जी। तो हर घराने के अलग अलग अपनी विशेषता। हाँ, और जैसे कि अगर एक राग सिखाया उन्होंने जैसे खमाज जी, खमाज में वो एक ताल में तान, एक ताल में एक वो ठुमरी। अच्छा, ठुमरी होती नहीं है ज्यादातर। हाँ, एक ताल में नहीं होती। और उसी को भैरव में, क्या बात है, वही बोल लेकर के भाई। दीदी ये ठुमरी याद रखिएगा, हम ये आगे आपसे ये ठुमरी सुनेंगे। कोई मुझे अचानक ये बात याद आ गई जब आपने कहा। और दोस्तों, आज हम जिन डॉक्टर सन्नो खुराना जी से रूबरू हैं, उन्हें हम सब रामपुर सहसवान घराने के विश्वविख्यात गायिका के रूप में जानते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को यह नहीं मालूम है कि सन्नो जी ने अपनी युवा अवस्था में अभिनय के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया था।
तो आइए उनकी जिंदगी के इस किताब के भी कुछ पन्ने पलटते हैं। दीदी, आपने कई ओपेराज में काम किया। जी, अभिनय किया, गाना भी गाया, संगीत निर्देशन भी किया, तो ये गाना गाते गाते अभिनय करने की कैसे बात सूझ गई आपको? जब हम दिल्ली में आए जी तो दिल्ली में लोग ज्यादा शास्त्रीय संगीत नहीं जानते थे, ब्रिटिश पीरियड जी खत्म हुआ था, तो या तो कॉकटेल जी बैंड होता था जी, या टी टाइम बैंड होता था, तो किसी को शास्त्रीय संगीत कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या क्या करूं जिससे कि मैं शास्त्रीय गायन ऑपरा फॉर्म में लेके आऊं। जी, ये सोचा कि अगर ऑपरा में उसको मैं ले आती हूं तो लोगों का शायद इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जी, तो मैंने इस तरह से बहुत से ऑपरा चित्रलेखा चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का जी लिखा हुआ चित्रलेखा आप जानते हैं, फिर जहां आ रहा उर्दू का था, फिर सुंदरी रिफत सरोज ने लिखा। अब जैसे चित्रलेखा पर फिल्में भी बनी हैं, चित्रलेखा पे जी जी, और आपने जब पहला शो किया उसका तो उसके लेखक डॉक्टर भगवती चरण वर्मा उपस्थित थे वहां पे जी। वो घटना थोड़ा सा आप बताएं हमारे श्रोताओं को, बहुत जरूरी है वो। पहले तो जब मैं हिंदी में जब ये करने लगी जी तो वो इसलिए किया कि लोग कहते थे कि उर्दू में कर लेते अब हिंदी में क्यों नहीं कर सकती है, कर सकते हैं। तब मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा जो अच्छा विषय रहेगा जिसमें डांस भी आएगा और मैं इसके अंदर राग राग नहीं ला सकती हूँ, तो मैंने कंपोज किया उसको और मैंने उसमें 80 राग मैंने 80 रागों में मैंने कंपोज किया, जो उसके अंदर वो और ऑर्केस्ट्रा में भी जी। ऑर्केस्ट्रा में मेरे साथ ब्योमकेश मुखर्जी बैठा करते थे, बैनर्जी बैठा करते थे, तो वो किया और 80 राग उसमें किया और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और जब वो स्टेज पे आए भगवती चरण वर्मा जी, भगवती बाबू ने, मैं बहुत ही भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने शब्द मेरे लिए कहा, शब्द दीदी हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, उन्होंने कहा कि जब मैंने ये उपन्यास चित्रलेखा का लिखा तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या लिख रहा हूं, लोग उसके अंदर अपनी फिलॉसफी ढूंढ रहे थे, ये वो, और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद सौराम मोदी ने फिल्म बनाई जिसमें मेहताब एक्ट कर रही थी, हीरोइन थी, और वो इतना अच्छा नॉवल था कि एक बार फिर कोशिश की गई कि इसके अंदर क्या किया जाए। तो उसके बाद वो थे अपने मीना कुमारी, उन्होंने पार्ट किया उसके अंदर, बहुत सक्सेसफुल रहा वो भी। और तीसरे बार सन्नो खुराना क्या बात है, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन ये विषय नहीं दीदी, कुछ तो है, कुछ बात है कि हस्ती मिस्ती नहीं हमारी, मुझे नहीं पता जी कि क्या था वो, कैसे मैंने क्यों क्या किया, क्यों किया मैं नहीं जानती हूँ। तो मैंने उसमें 80 रागों का प्रयोग जी। भगवती बाबू ने क्या कहा आपके लिए? भगवती बाबू ने कहा, दो बार पहले हो चुका लेकिन आज पहली बार मुझे यही लगा कि शन्नो जी ने मेरा नाम लेकर के, बहुत कृपा थी उनकी, जो विषय था और जो उस पर फिलॉसफी थी, जो मेरा थॉट था, जो हाँ मेरा था जी, वो इतनी अच्छी तरह से इसमें आया और उनकी आंखों में से आंसू गुजर गए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है दीदी। पंडित जी मेरे लिए बहुत बड़ी ये बात थी और हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है दीदी कि उनके सामने बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, आज आपके साथ हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, जिनके लिए भगवती जी ने
इतने बड़े शब्द कहे थे। दीदी मैंने आपका ओपेरा तो नहीं देखा, लेकिन उसके पोस्टर्स देखे हैं, आपके फोटोग्राफ्स देखे हैं और देख के पलकें झपकना भूल जाती हैं आपके फोटो देखकर। कोई फोन नहीं आया फिल्मी दुनिया से कि हीरोइन बन जाओ आके? क्योंकि उस समय तो ऐसे हीरोइन की डिमांड होती थी जो गाना भी गा रहे हैं। फोन भी आया और वो गाने के लिए प्ले बैक के लिए चेतन आनंद ने कहा था। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मेरे संगीत में तो शास्त्रीय संगीत है जी, सो चलता है। दीदी गाने की बात छिड़िए तो फिर एक गाना हो जाए। ठाकुर साहब का ये कहना था और मुश्ताक हुसैन खास को ये कहना था कि प्रोफेशनल गवैया बनने जा रही हो तो ऐसा ना हो कि किसी ने फरमाइश की और तुम्हारी झोली खाली हो। जी हर चीज आना चाहिए, हर चीज आना चाहिए। ये कभी मत सोचना कि ये तुम्हारे मुंह से कभी ना निकले कि मुझे ये नहीं आता। जी गजल गाती हूँ, मैं गजल नहीं गाती हूँ। क्यों नहीं गाती हूँ? कि मेरे पिताजी कहते थे उसमें बड़े इश्क की बातें होती हैं, लड़कियां नहीं गाती हैं। यानी ये सब बातें मैंने सीखी समझी कैसे। यानी खैर उसके बाद उन्हें किसी चीज को माफ मत कर। ठाकुर साहब ने कहा सो जरूर सीख लेना, क्योंकि जब मुहर्रम में गाना बजाना नहीं होता है तो गले को किस प्रकार तैयार रखना है, तो थोड़ा वो यही आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ, बड़ा मुश्किल होता है वो गाना जी, और तो जरा सा नमूना बताती हूँ। ठीक है दीदी। किसी ने खूफे के रास्ते में शह को दी ये खबर के कत्ल हो गए मुझे न जाए उसे को इस पे है बहुत नेतर। तब उससे कहने लगे यूं इमाम जिन्नो मिसर किसी छोटा सा। जी जी दीदी एक बात आप बताएं, आप एक संभ्रांत परिवार की महिला, आपके पति डॉक्टर खुराना साहब बहुत व्यस्त रहते थे, संयुक्त परिवार था, सास ससुर पति बच्चे और आपका इतना सारा काम, कैसे आप इसको तालमेल बैठाती थी? आज तो ऐसे मुद्दे पर परिवार टूट जाते हैं, तलाक हो जाते हैं। इतनी लगन थी जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतनी लगन थी कि मुझे सीखना ही है। जबकि मेरी शादी हुई तब मुझे नहीं मालूम था कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि वो हस्बैंड मेरे एयरफोर्स के अंदर थे तो वो कैसे होगा, यहाँ पोस्टिंग वहाँ पोस्टिंग। खैर जब उन्होंने वो एयरफोर्स छोड़ करके यहाँ शुरू किया तब मैंने लगन के साथ, और सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे पति की मिली, क्योंकि नहीं तो कोई ना कोई मुझे रोक सकता था जी, जी। और शायद मेरे ससुर जिंदा होते तो नहीं इजाजत देते, तो उस वजह से मैं लगी रही जितना भी की। और तब इतने गुरुओं से मैंने सीखा, जगह जगह ट्रैवल भी करती रही, जब मैं बाहर भी गई अमेरिका इंग्लैंड पूरे पूरे पता नहीं कहाँ कहाँ गई, तो बच्चे भी पीछे थे उनकी देखभाल के लिए भी मेरे पति ने बहुत मेरा साथ दिया था। तो वो लगन जो थी वो, और फिर जो एक बड़ी बात जो मेरे सामने समस्या आई वो ये थी कि संभ्रांत परिवार से पंजाब में कोई किसी को इजाजत नहीं थी गाने की बिल्कुल भी। दीदी कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, थोड़ी सी ठुमरी आपसे वो सुन लें एक बार। अच्छा जी मेरे करम कर साब गरीब
जी बंदिशी ठुमरे बाके सावरिया तोरे तो ननोन काकी नो देखो मोपे जादू डार बाके सावरिया तोरे तो ननोन काकी नो देखो मोपे जादू डार काकी नो देखो मोपे तो प्यारी वाला मन ना तो दिखाए मन ये नीनो मां दीदी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें यहीं विराम लेना पड़ेगा। मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी ढेर सारी बातें हम लोगों को बताई, इतना अच्छा गाना सुनाया। आपके सभी साथी कलाकारों को, तबले पर उस्ताद अख्तर हसन, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी और तानपुरे पर आपकी वरिष्ठ शिष्या मैत्रेयी मजुमदार को भी मैं शुक्रिया कहता हूं और इन पंक्तियों के साथ आपको अलविदा कहता हूं। भावुकता की हरियाली में हरे रहो जीवन के तरुवर, विपदाओं की अंधवायु में तने रहो जीवन के तरुवर, अपने सौरभ की मस्ती में सने रहो जीवन के तरुवर, भावुकता की हरियाली में हरे रहो जीवन के तरुवर। शुक्रिया, नमस्कार। विजय जी, मैं कहूंगा आपने मुझे, कुछ मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बैठ करके थोड़ा बहुत गाना। धन्यवाद दीदी, शुक्रिया।